नमस्कार दोस्तों उड़ान आई एस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भर्ती प्रारंभ हो चुका है इसी भर्ती प्रक्रिया में छात्रावास अधीक्षक यानी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पद भी आपके लिए आ चुका है इसकी नोटिफिकेशन आप सी के वेबसाइट पर देख सकते हैं और ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसके अंतर्गत न्यूनतम अर्हता जो है वो 12वीं पास मांगा है 12वीं पास तो 12वीं पास के जितने भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए 500 के आसपास पद है 500 पद है टोटल तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप यहां पर पोस्ट अपना पा सकते हैं एक सरकारी नौकरी पा करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं अब बात करें इस भर्ती परीक्षा की तो ये जारी हो चुका है सीजीपीएससी के वेबसाइट पर सीजीपीएससी इसका पेपर लेने वाला है आप ध्यान रखेंगे इसका जब आप सीजीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा फिर जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको पदों की संख्या वगैरह की जानकारी मिल जाएंगी ये देखिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द अनारक्षित पदों की संख्या अनुसूचित जाति के लिए साठ अनुसूचित जनजाति के लिए एक सौ साठ और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्तर पदों पर भर्तियां होनी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सत्तर पद यहाँ पर दिए गए हैं इसके अलावा महिला आरक्षण पर भी बात की गई है जिसमें आप देख सकते हैं तिरसठ पद जो है वो अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित है इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वाले वर्ग में अठारह पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है अनुसूचित जनजाति में अड़तालीस और अन्य पिछड़ा वर्ग में कुल सत्तर में से इक्कीस पद जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण बताया गया है और निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद इसमें बताया गया है तो कुल पदों की संख्या यहां पर आप देख सकते हैं 500 हमको दिखाई जा रही है 500 पदों पर भर्तियां आपके हॉस्टल वार्डन में होनी है बहुत अच्छा मौका है आपके लिए और आप चाहें तो इसके लिए आप सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के पुराने पेपर को आधार बना करके तैयारी कर सकते हैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन इसमें नया जोड़ा गया है अंकों का वितरण कैसे होगा कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए आगे वीडियो में बात करेंगे पर सबसे पहले इसका सिलेबस देख लिया जाए इसके सिलेबस की यदि बात करें तो सिलेबस आपको देखने को मिलेगा लगभग पेज नंबर सात के आसपास ये देखिए ये आपको दिखाई पड़ेगा परीक्षा योजना परीक्षा योजना में आपको परीक्षा एक चरण में होगी जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी यानी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होना है आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक विकल्प का चयन करना होगा साथ में एक चीज और याद रखिएगा कि इस प्रश्न पत्र में माइनस मार्किंग आपका होना है और माइनस मार्किंग जो सीजीपीएससी का स्टैंडर्ड वन बाई थ्री का होता है वही माइनस मार्किंग आपको हॉस्टल वार्डन के पेपर में देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आप ऐसी तैयारी करिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो और माइनस कम हो इसके लिए आपको एक्यूरेसी पर काम करना होगा अच्छा अब सिलेबस की यदि बात करूं तो सिलेबस जो है ये देखिए भाग अ भाग ब इस प्रकार से बटा हुआ है पूरे सिलेबस का यदि मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा पाठ्यक्रम हुआ है, कुछ भागों में टोटल सात भाग आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें पहला भाग जो है यह है कंप्यूटर का कंप्यूटर जो है यह पचास अंक का होने वाला है याद रखिएगा ये पेपर कुल एक सौ पचास अंक का होगा जिसमें से पचास अंक आपके केवल कंप्यूटर के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर में एक बाध्यता ये भी रखी गई है कि जो भी अभ्यर्थी होगा उसको कम से कम 25 अंक लाना मैंडेटरी है यानी अगर आप 25 से कम अंक लेकर के आते हैं 50 में तो आपके इधर कितने भी अंक ले आए उसकी कोई मान्यता नहीं होगी यानी आपको न्यूनतम 25 अंक इन 50 में से लाना ही है इसके बाद गणित आपका 20 अंक का है 20 अंक का इसके बाद समसामयिक घटनाक्रम है पंद्रह अंक का इसमें राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों प्रकार के घटनाक्रम शामिल हैं इसके बाद छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्शन है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन ये आपके बीस अंक का होगा सामान्य ज्ञान जिसके अंतर्गत इतिहास और संविधान जैसे विषय हैं ये आपको पंद्रह अंक के पूछे जाएंगे भाषा बीस अंक का है जिसमें हिंदी भाषा दस अंक का और इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें दस अंक का तो हिंदी और इंग्लिश दोनों दस दस अंक के आपको देखने को मिलेंगे एक नया सेक्शन जोड़ा गया है इसमें जो है बाल मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान जो है ये आपको दस अंक का देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये जो दस अंक है ये कहीं ना कहीं निर्धारक की भूमिका में हो सकते हैं यानी सिलेक्शन होने और ना होने के बीच अंतर जो है ये बाल मनोविज्ञान वाला सेक्शन आपके कर सकता है तो सारे सेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है देखिए वन टाइम एग्जाम है इसका मतलब यहां पर कंपटीशन तो अच्छे स्तर का होना है ऊपर से न्यूनतम अर्हता जो है वो केवल बारहवीं रखा गया है मतलब बहुत ज्यादा आपके पास कैंडिडेट्स होंगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होंगे और एक अच्छा कंपटीशन हमको यहां पर देखने को मिलेगा अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे इसमें सेक्शन देखेंगे आप तो बहुत सामान्य से सेक्शन है जैसे जैसे आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर का परिचय कंप्यूटर के उपयोग कंप्यूटर के प्रमुख भाग प्रिंटर है प्रिंटर के प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन के उपयोग कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी इंटरनेट का उपयोग एंटीवायरस है मल्टीमीडिया है सीडी, डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी और गूगल अल्ट्रा विस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी यानी सर्च इंजन से आपको प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है तो बहुत ही सामान्य सिलेबस रखा गया है मेरे हिसाब से बहुत कठिन सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का तो आप चाहे तो इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं दूसरे भाग में आपको देखने को मिलेगा भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित इसमें से भी कुल दस में से कुल दस अंक होने वाले हैं इसमें पहला चैप्टर है स्वर व्यंजन वर्तनी यानी पूरी वर्णमाला आपको पढ़नी है इसके बाद लिंग वचन काल है फिर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का व्यवहारिक उपयोग समास रचना एवं प्रकार है स्वर संधि सॉरी संधि स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि, तीनों प्रकार की संधियां आपके सिलेबस में रखी गई है फिर है व्याकरणिक अशुद्धियां आप देखिए व्याकरणिक अशुद्धियां जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको शब्द की भी अशुद्धि पढ़नी होती है और वाक्य की भी अशुद्धि पढ़नी होती है तो दोनों प्रकार की अशुद्धियां आपके सिलेबस में साफ तौर पर लिख दिया गया है यहां पर लिख दिया गया है व्याकरणिक अशुद्धियां मतलब उसमें शब्द की भी अशुद्धि है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वर्तनी की अशुद्धि मात्राओं की अशुद्धि तो ये सारी अशुद्धियां आपको देखने को मिलेंगी इसके अलावा वाक्य की अशुद्धियां भी आपको देखने को मिलेंगी संज्ञा संबंधी अशुद्धि इसके अलावा सर्वनाम संबंधी लिंग संबंधी वचन संबंधी क्रिया संबंधी शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां क्रम का दोष अधिक अधिक पदत्व का दोष सारे प्रकार की अशुद्धियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और अभी तक व्यापम ने जितना या सीजीपीएससी ने जितना भी एग्जाम लिया है उसमें आप देखेंगे यदि ये सेक्शन आपके सिलेबस में है तो यहां से क्वेश्चन आता ही है तो आपको बिल्कुल इस सेक्शन की अच्छे से तैयारी करनी होगी फिर शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय है तत्सम शब्द के प्रकार तत्सम देशज और विदेशज इन चार प्रकार को ही आपको पढ़ना है मेन फिर है पर्यायवाची शब्द विलोमार्थी अनेकार्थी अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द और है अंत में मुहावरे एवं लोकोक्तियां तो दस यूनिट हैं इसमें टोटल हिंदी वाले सेक्शन में और यहां से आपको क्वेश्चन दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एवरेज आप मान के सकते हैं मान सकते हैं कि हर सेक्शन से लगभग एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा हर सेक्शन से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगला जो सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश का जनरल इंग्लिश में आप देखेंगे नंबर्स जेंडर्स आर्टिकल्स इसके बाद आपको दिख रहा है यहां पर प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब फिर है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शन फिर सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, इसके बाद यूनिट टू में आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी आपको देखने को मिलेगा एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन उसके बाद वोकेबुलरी है आपके सिनोनेम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग तो यहां से आपके टोटल दस अंक के प्रश्न आने हैं फिर है गणित वाला भाग गणित वाले भाग को यदि आप देखें तो गणित वाला भाग थोड़ा सा कठिन आपके लिए रखा गया है हालांकि मैं कठिन नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसमें असहज होते हैं ऐसे ऐसे यूनिट भी डाले गए हैं जैसे सामान्य तो आप ये सब पढ़ते ही हैं एलसीएम सी एच सी औसत प्रतिशत चाल समय दूरी इसके अलावा सामान्य ब्याज लाभ हानि अनुपात समानुपात प्रतिशतता ये सब तो आप सामान्य रूप से पढ़ते हैं लेकिन ये जो सेक्शन है ये आपको कभी कभार ही देखने को मिलेगा कौन सा सेक्शन है सर देखिए रेखा तथा कोण इसमें रेखाखंड सरल एवं वक्र रेखाएं और कोणों के प्रकार ये थोड़ा सा कठिन सेक्शन हो जाता है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए इसके अलावा समतलीय आकृतियां त्रिभुज चतुर्भुज तथा वृत्त यानी टू आकृतियां जितनी भी हैं वो आपको यहां पर देखनी है टू डी फिर समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल त्रिभुज आयत समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज फिर है ठोस की मांगे ठीक है असल में ये होना चाहिए था ठोस की विमाएं ठीक है लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्षेत्रफल आयतल घन व घनाभ, तो ये सेक्शन जो है ये आपके मैथ्स में पूछे जाने हैं मैथ्स से टोटल बीस अंक का प्रश्न आना है बीस मार्क्स का तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके लिए और ये जो सेक्शन आपको मैंने अंत में बताए हैं यहां से कम से कम हर बार आप देखेंगे चार से पांच क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाता है जब भी ये सिलेबस में होता है तो चार से पांच प्रश्न यहां से पूछता है नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा समझना सरल होता है लेकिन जरूरी नहीं कि उनके लिए ये बहुत आसान हो चलिए आगे देखते हैं आगे है सामान्य ज्ञान तो सामान्य ज्ञान में आपको पता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहां से कुल पंद्रह मार्क्स के प्रश्न आने हैं पंद्रह मार्क्स के प्रश्न आने हैं जिसमें कुल पांच यूनिट आपको देखने को मिलेगा पहले यूनिट में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान यानी संविधान से है दूसरे भाग में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन है तीसरे भाग में भूगोल है चौथे में अर्थव्यवस्था और पांचवे में विज्ञान है लेकिन आपको ये समझ के चलना होगा कि हमको सिलेबस के बाहर नहीं जाना है जो टॉपिक हमको दिए हुए हैं उस टॉपिक से बंद करके हमको तैयारी करनी है तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे फिर अगला जो भाग है वो है समसामयिक घटनाक्रम खेलकूद देश विदेश यानी करंट अफेयर जो है यहां से आपको पूछा जाएगा कुल पंद्रह अंक का प्रश्न यहां से आना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नजरिए से फिर अगला भाग है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी तो मैंने आपको बताया कि यहां से कुल 20 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे फिर है बाल मनोविज्ञान इसमें 10 अंकों के कुल 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे तो इस तरीके से कुल 150 अंक का आपका एग्जाम होना है 150 अंक का और ध्यान ये रखना है कि इस 150 में माइनस मार्किंग बहुत बड़ा खेल करने वाला है माइनस मार्किंग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके एग्जाम के नजरिए से तो माइनस मार्किंग की आप जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके तैयारी करिए एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कम प्रश्न बना करके भी क्वालिफाई कर जाते हैं और बहुत सारे लोग सौ में सौ बना के भी डिस्कालीफाई हो जाते हैं उसके सब, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है क्या माइनस मार्किंग तो माइनस मार्किंग को कम करने का प्रयास करेंगे इन सारी चीजों की प्रैक्टिस आप देखेंगे तो हमारे उड़ान आई अकादमी में 18 मई से प्रारंभ होने वाली है अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती का भी बैच बना था जिसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें ज्वाइन किया है और वो काफी खुश हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन की तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि उड़ान आई एस अकादमी के द्वारा 18 मई से कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं ये कक्षाएं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल होंगी यानी आप चाहे तो इसे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी जो किसी जॉब में रहते हैं वो चाहे तो इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध है आप किसी भी मोड में एडमिशन लीजिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी यानी जो क्लास आपका हुआ है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको उपलब्ध कराई जाएगी अब ये जो बैच है इसका समय सुबह साढ़े सात से लेकर के साढ़े दस बजे तक होगा कहाँ होगा सर ये हमारे हेड ऑफिस वाले ब्रांच में देखिए दोनों ब्रांचेस में ये बैच जो है प्रारंभ किया जा रहा है हेड ऑफिस वाला जो ब्रांच है वहां पर सुबह साढ़े सात से साढ़े दस बजे तक इस बैच का आयोजन होगा और सिटी प्लाजा वाला जो ब्रांच है हमारा वहां पर शाम को साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे तक ये बैच संचालित की जाएगी ये देख पा रहे हैं आप साढ़े पांच बजे से साढ़े आठ बजे तक ये बैच संचालित की जाएगी सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में और जो हमारा हेड ऑफिस वाला ब्रांच है वहां पर सुबह साढ़े सात से लेकर के साढ़े दस बजे तक यानी तीन घंटे की क्लासेस यहां पर नियमित रूप से आपके लिए संचालित की जाएगी अब इस बैच की बात करें तो प्रत्येक क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा यानी जितने भी क्लासेस होंगी उनके रिकॉर्डेड वीडियो आप चाहे ऑफलाइन मोड में एडमिशन ले चाहे ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा बहुत सारे नोट्स हमारे होते हैं जो हमने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बना करके रखे हैं वो सारे पीडीएफ आपको उपलब्ध कराए जाएंगे इसके अलावा संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा यानी जो पुराने सेक्शन है वो भी यानी पुराने सेक्शन कहने का मतलब जैसे कंप्यूटर हो गया मैथ्स हो गया लैंग्वेज हो गया है ना हिंदी इंग्लिश इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान के विषय हैं, चाहे संविधान हो चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो चाहे अर्थव्यवस्था हो ये सारे सेक्शन जो है आपके कवर कराए जाएंगे इसके अलावा जो नया सेक्शन जुड़ा है बाल मनोविज्ञान उसको भी इस बैच में हम आपकी पूरी कराएंगे इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होगी अभी आप सभी को पता है कि वर्ष 2018 के बाद से सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो दोनों के प्रश्न देने का तरीका बदला है दोनों का तरीका बदला है दोनों के अप्रोच में बदलाव आया है तो हमारा प्रयास ये होगा कि आपको उसी बदले हुए पैटर्न के साथ तैयारी कराए जिससे कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो सके साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कर सकें तो हम इस बैच के साथ आ रहे हैं आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए 18 मई से यह बैच प्रारंभ हो रहा है फिर से आपको बता दूं हेड ऑफिस में सुबह के समय यह संचालित होगी और शाम के समय सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में इस बैच को आयोजित किया जाएगा वही शिक्षक पढ़ाएंगे वही अनुभव से भरे हुए शिक्षक जो हमेशा से आपके साथ रहे हैं और हमेशा से आपको कदम कदम पर एक अच्छा मार्गदर्शन देते आए हैं तो इन सभी शिक्षकों के द्वारा आपको हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में भी गाइड किया जाएगा अब बात ये कि सर हम इस बैच को ज्वाइन कैसे करें देखिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर आपको नंबर बता रहा हूं है ना इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं फीस कैसे पे करनी है सारी चीजें आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएंगी तो एक नंबर है नाइन सिक्स वन डबल सेवन जीरो टू एट सिक्स वन या सिक्स टू जिसमें भी आप चाहे कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दूसरा नंबर है सिक्स टू सिक्स एट टू फोर एट थ्री नाइन थ्री इन नंबर्स पर ये तीन नंबर हैं आपके लिए ठीक है एक नंबर क्या है नाइन सिक्स वन डबल सेवन जीरो नंबर है दूसरा नंबर है नाइन सिक्स वन डबल सेवन जीरो जिस नंबर पर भी चाहें कॉल कर सकते हैं कॉल करके इस बैच की और अधिक जानकारी ले सकते हैं फीस वगैरह के बारे में आपको सारी जानकारी वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी तो जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन करिए क्योंकि पोस्ट बहुत सारे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें भाग लेने वाले हैं तो कॉम्पिटिशन तो अच्छा रहने वाला है बाकी कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ने के लिए इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए धन्यवाद